औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में बढ़ रहे नशे के कारोबार को लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। बद्दी में पुलिस की एसआईयू टीम ने एक युवक को 17 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। डीएसपी अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी फारूक मोहम्मद नालागढ़ के वार्ड नंबर 2 का रहने वाला है, जो बद्दी में एक निजी बैंक में काम करता था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी युवक को अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। मिलने के बाद SHO बद्दी की टीम ने रेड की थी और एक लड़का है नालागढ़ का रहने वाला और बद्दी में ही कोई प्राइवेट बैंक में काम करता था, तो उसके पास से हमको जो है 17.2 ग्राम हीरोइन रिकवर हुआ है और मैं भी स्पॉट पे गया था, मेरी प्रेजेंस में हीरोइन रिकवर किया गया है। तो अभी हमने उसे गिरफ्तार कर दिया है और उसके जितने भी एसोसिएट्स हैं उसके बारे में भी हम आगे पूछताछ कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। हाँ, आज उसे कोर्ट में पेश करके कार्रवाई की गई और पुलिस रिमांड लिया गया है। इसका 3 दिन का पुलिस रिमांड फिलहाल अभी हमने लिया है, आगे जरूरत पड़ी तो दोबारा से रिमांड लिया जाएगा। सिटी चैनल के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट।